हेलो डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका जुडिशरी वर्ल्ड में। तो आज देखिए, मैं आपके लिए सेशन लेकर के आया हूं जिसमें हम बात करेंगे कि बेयर एक्ट्स को मेमोराइज कैसे करना है। ये हम सब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमें बेयर एक्ट्स समझ में आते हैं, सेक्शन समझ में आते हैं, लेकिन मेमोराइज करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। प्लस हमें ये लगता है कि इतने सारे बेयर एक्ट्स हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, और इसमें इतने सारे प्रोविजंस, इनको कैसे याद करेंगे। और हर एक प्रोविजन को अगर हमें मेंस एग्जामिनेशन में लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, इसकी क्या टेक्निक होनी चाहिए, यही मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। तो देखिए, इससे पहले कि हम डिस्कस करें, आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, इसको सुन लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, कि आपके जो मेथड्स हैं मेमोराइज करने के, उनको देखेंगे हम। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपके लिए, सारथी 6.0 बैच आपके लिए आ चुका है। 20th of July से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और इस बैच के अंदर जो आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फीचर ये भी होगा आपके लिए कि आप किस तरीके से बेयर एक्ट्स को मेमोराइज करें। एंड एवरी एजुकेटर, चाहे वो शुभम सर हो, चाहे वो देवाशीष सर हो, हर्षा मैम हो, या मैं हूं, हम सब यही कोशिश करेंगे कि डेली के डेली आप जितने भी बेयर एक्ट्स को पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं जिसमें बेयर एक्ट्स इन्वॉल्व हैं, वो बेयर प्रोविजन एटलीस्ट आप उस दिन ही याद कर लें। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो केस लॉज हैं इससे रेलेवेंट, वो भी आप साथी के साथ वहीं पे अपनी क्लास के अंदर ही उन एक घंटे डेढ़ घंटे के ड्यूरेशन में ही याद कर लें। एंड देन रेगुलरली हम ट्रेस भी रखेंगे इस चीज का कि आप किस तरीके से अपनी प्रोग्रेस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, कितना आपने याद किया एंड कितना नहीं किया, ये सब भी हम आपके साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे डेली के डेली। तो चलिए, सारथी 6.0 बैच आपके लिए है नेक्स्ट वीक से, यानी कि 20th of July से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके फीचर्स जितने भी सारे हैं डिटेल में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पा सकते हैं, और इसकी प्राइसेस वगैरह ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। प्लस एक और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए ये भी है कि 20% तक का ऑफ अभी आपको मिल सकता है, 15th of July तक का ये ऑफर है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक और बैच के बारे में, ये लीगल ओम फाउंडेशन बैच। ये 13 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, और इस 13 तारीख से ये बैच के अंदर आपको मैं मिलूंगा, ओम सर मिलेंगे। यहाँ पे आपको फाउंडेशन बैच होने के कारण सारी ही चीजें बहुत ही डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ाई जाएंगी। अब इन सारे चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू, यहां से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 20% ऑफ के बारे में, तो 20% ऑफ आपके लिए है, अभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं ऑफर का। ऑफर के लिए करना क्या है, आपको कोड लगाना है AS लाइट। इस कोड से लगाते ही आपको 20% ऑफ सारे ही सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देरी किस बात की है, इसको ज्वाइन करिए इन कोर्सेज को तुरंत के तुरंत। आइए बात करते हैं मेमोराइज कैसे किया जाए बेयर एक्ट को। अब देखिए, बेयर एक्ट्स को मेमोराइज करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी लर्निंग हैबिट्स कैसे काम करती हैं। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करिए। तो मोटा मोटा अगर बात करें तो आपकी लर्निंग हैबिट्स कहीं ना कहीं इनमें से किसी एक में फॉल हो रही होंगी। देखिए, रीड एंड राइट मेथड, लिसनिंग मेथड, ऑडियो एंड विजुअल मेथड और विजुअल मेथड्स। तो कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि हमें बचपन से सिखाया जाता था कि जो भी आप पढ़ो उसको लिखो तुरंत ही, और कई बार ऐसा होता है, ये इफेक्टिव भी आपने देखा होगा कि रीड किया और उसको लिख लिया, ये हमें मेमोराइज हो गया। इसके बाद एक और मेथड आप देखते होंगे कि लिसनिंग मेथड। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ना, ऐसे आपके साथ बैचमेट्स होंगे जिनको आपने देखा होगा कि एग्जाम से पहले आपने उनको कुछ बता दिया, कहीं आप भी तो उसमें नहीं है, कि आपको कुछ बता दिया और उस बच्चे ने जो भी आपने बताया वो सुना और जाकर के एग्जाम में लिखा और अच्छे मार्क्स से वो पास हो गया। तो ऐसी भी हैबिट कुछ लोगों की होती है कि अगर आप उनको पढ़ने से समझ में नहीं आता, कुछ बता दो तो उनको याद हो जाएगा और वो उसको लिख करके एग्जाम में आ सकते हैं। मेमोराइज करना उनके लिए ऐसे ईजी होता है। देखिए, कुछ लोगों की हैबिट्स होती है ऑडियो एंड विजिबल मेथड की, उनको कुछ पिक्चर्स अगर आप दिखाओ, वीडियोस दिखाओ जो ऑडियो वीडियो मेथड से किए जाते हैं, तो लर्निंग उनके लिए इजी होती है या ज्यादा इफेक्टिव होती है। एंड सेम इसी की तरह विजुअल मेथड भी है कि अगर पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन किसी चीज का किया जाए जिसको वो दिमाग में इमेजिन कर सकते हो, तो फिर याद करना उनके लिए इजी होता। अब ये चार हैबिट्स हैं, हमें क्या करना चाहिए, इन चारों हैबिट्स में से किसको अडॉप्ट करना चाहिए। एक ना एक हैबिट आपकी जरूर होगी कि आपको ये ज्यादा कन्वीनियंट लगता होगा, लेकिन हमें क्या करना है, हम इनमें से चारों की चारों हैबिट्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे अपनी लर्निंग के लिए। तो देखिए, हर चीज अच्छी चीज जो है
उसको ले लेना चाहिए। करेंगे कैसे, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। देखिए मैंने आपके लिए यहां पे लिखा हुआ है, एक डेफिनेशन है कंप्लेंट की, इसको याद करना है। अगर डेफिनेशन को कैसे याद करेंगे, सबसे पहले तो आपने पढ़ा समझा डेफिनेशन को, वेल एंड गुड, आपने सारे इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए। रटना कैसे इसने, देखिए इसके आप इंग्रेडिएंट्स को निकाल लीजिए। कंप्लेंट फिर क्या है, एलिगेशन, कंप्लेंट इज एन एलिगेशन है ये, मेड ओरली और इन राइटिंग, किसको दी जाती है, टू अ मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू ऑफ हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, ठीक। और व्यू क्या है, और एलिगेशन के अंदर क्या है, दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। अब ये बात है, देखिए ये डेफिनेशन आपको मिल गई, इसको क्या करना है, आपने इस डेफिनेशन को रटना है, याद करना है। किस तरीके से किया जाए इसको, तो अगर डेफिनेशन को रटना है हमें तो इसको ब्रेक इस तरीके से करना चाहिए। देखिए कंप्लेंट को लिख लिया हमने, और कंप्लेंट क्या है, कंप्लेंट हमें सबसे पहले समझ में आता है कि ये एक एलिगेशन है, ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। अब ये एलिगेशन ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, ओरल और रिटन, एंड इट इज मेड टू हूम, सबसे बड़ी बात ये है, इट इज मेड टू अ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट को करते क्यों है, व्हाई दिस कंप्लेंट हैज बीन मेड टू अ मैजिस्ट्रेट, इट हैज बीन मेड विद अ व्यू ऑफ हिज टेकिंग एक्शन, उसको क्या करना है, एक्शन करना है, किसको एक्शन करना है, मैजिस्ट्रेट को एक्शन करना है, इस व्यू से आपने ये कंप्लेंट की है। और एक्शन कैसा करेगा, अंडर द कोड, जो भी कोड के अंदर नेसेसरी एक्शन है वो उसको करना है, ठीक है, ये ब्रेक हमने किया। और एलिगेशन के अंदर, इस कंप्लेंट के अंदर क्या है, दैट सम पर्सन, अब ये पर्सन कैसा होगा बच्चों, देखिए ये वेदर नोन और अननोन, नोन भी हो सकता है अननोन भी हो सकता है, दैट सम पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, हैज कमिटेड एन ऑफेंस। अब देखिए इसके अंदर आपके सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए कंप्लेंट के अंदर, 2D के अंदर आपने ब्रेक करके सारे इंग्रेडिएंट्स लिख लिए। अब बस इनको अरेंज करना आपको बाकी है। अब अरेंजमेंट के लिए आप बस वो सीरीज को फॉलो करिए कि एलिगेशन मेड टू अ मैजिस्ट्रेट विद वेदर दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस विद द व्यू ऑफ हिज टेकिंग एक्शन अंडर द कोर्ट बट डज नॉट इंक्लूड, इंक्लूड क्या नहीं करता है, एलिगेशन के साथ आप स्टार लगा लीजिए, एक यहां पे आपने स्टार लगा लिया, और स्टार लगाने के बाद यहां पे आप लिख लीजिए इट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट नॉट इंक्लूडेड। बस ये सिंपल तरीका है आपको याद करने का। अब ये तो हो गया रीड एंड राइट मेथड, इसके साथ और क्या करना चाहिए, बाकी मेथड्स को या बाकी हैबिट्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, तो बाकी हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें अब इसको इमेजिन करना चाहिए अपने दिमाग में विथ सम पिक्चर्स। आप कोई पिक्चर्स या कोई मूवी की कोई क्लिप है उसके साथ इसको इमेजिन करें कि कंप्लेंट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कि यार एक मैजिस्ट्रेट है, लेट्स सी अ पिक्चर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट और अ वीडियो वेयर यू कैन सी अ मैजिस्ट्रेट एंड मैजिस्ट्रेट के सामने इस तरीके की चीजें आती हैं, एक कंप्लेंट आती है एंड ऑन दैट कंप्लेंट सम मैजिस्ट्रेट इज टेकिंग सम एक्शन, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट कुछ कर रहा है। आप इसको एक स्टोरी के साथ रिलेट करें, कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स आप बना सकते हैं, कोई भी एक पर्सन बना लें, आप यहाँ पे पुष्पा बना लें, आप यहाँ पे रॉकी भाई बना लें, और किसी भी फिक्शनल कैरेक्टर के हिसाब से स्पाइडरमैन बैटमैन जो भी कैरेक्टर आपको पसंद हो उसके हिसाब से एक स्टोरी कॉन्कॉक्ट करिए और उस स्टोरी को कनेक्ट करिए इन प्रोविजंस के साथ। ये कनेक्शंस के बाद आपको इजीली सारे प्रोविजंस को याद कर लेंगे आप, एंड फॉर्चुनेटली जो केस लॉज होते हैं ना उनके साथ कोई ना कोई स्टोरी जरूर एसोसिएटेड होती है क्योंकि फैक्ट होते हैं उसमें। अब फैक्ट के साथ किसी केस लॉ को याद करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, उसको भी आप इसी वे में कर सकते हैं कि केस का नाम लिखिए एंड मेक द फैक्ट्स इन अ पिक्चर ऑफ इन अ फॉर्म ऑफ अ पिक्चर। आप उसको एक पिक्चर के फॉर्म में अगर बनाएंगे फैक्ट्स को तो वो आपके लिए ज्यादा ईजी होगा याद करना, और उस पर्टिकुलर केस को जितने भी लैंडमार्क केसेस हैं उनके पीछे की जो स्टोरी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया जो उसका, एंड उस समय का प्रेजेंट सिनेरियो कैसा था, कंटेम्प्रेरी टाइम कैसा था, उसको इमेजिन करते हुए एंड व्हाट वाज द चेंज व्हिच वाज ब्रॉट बाय द केस लॉ,
ये समझते चलिए, आपको केस लॉ भी साथ साथ इसके साथ सारे याद होते जाएंगे। सो दिस वॉज एन इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल कि आपको कैसे याद करना चाहिए। फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर हैबिट कि आपको कैसे बेस्ट सूटेड है आपके लिए, आपको सबसे ज्यादा अच्छा कैसे याद होता है। दूसरा आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को याद करने के लिए आपको कौन से मेथड्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। आप अगर इन सारे मेथड्स को एक साथ इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो लर्निंग विल बी वेरी इजी, एकदम आप समझिए कि मक्खन की तरह आपको सारे प्रोविजंस रटेंगे, आप एकदम याद कर लेंगे। एंड ऑलवेज डू इन पार्ट्स कि पहले आपने कुछ सेक्शंस को पकड़े, चार पांच एक दिन में याद किए, उनको रिवीजन किया, पक्का कर लिया, फिर आगे बढ़े। एक साथ बहुत ज्यादा जब आप परोस लोगे अपनी थाली में तो उसको पचा पाना खा पाना इजी नहीं होता है, तो इसलिए छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पीसेस में करें, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में आप इन बेयर प्रोविजंस को याद करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।